नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का बिन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी चर्चा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को लेकर चल रही थी और संसद के महत्वपूर्ण विषयों पर हमने अपनी चर्चा को शुरू की गई थी कर दिया था और आज उसकी जो क्लास होने वाली है संसद को लेकर, भारत की संसद को लेकर, वो आखिरी क्लास होने वाली है जिसमें हम जो संसदीय कार्यवाहियाँ होती है उन्हीं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन से प्रश्न उसके संबंध में पूछे जा सकते हैं और हमको अपनी तैयारी किस रूप में आगे बढ़ाना है, उन समस्त पहलुओं पर चर्चा को बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं और चर्चा शुरू करने से पहला, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा सबसे पहले चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय से, तो आज जो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की चर्चा करने वाले हैं वो है बामन राव केस 1981। देखिए, जो बामन राव केस आया था ये संवैधानिकता की जांच के संबंध में आया था, 9वीं अनुसूची और आर्टिकल 31 ए बी और 31 सी की संवैधानिकता की जांच के लिए आया था, संवैधानिकता की जांच के लिए यह केस दायर किया गया और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो 31 ए बी सी हैं इसके तहत, ए और बी मुख्य रूप से, इसके तहत जो भी विधि बनाई गई थी और 9 ए की अनुसूची में जो भी विषय जोड़े गए थे, अनुसूची 9 में जो विषय जोड़े गए थे, विषय जोड़े गए वे मान्य होंगे। अब कब तक के लिए मान्य होंगे? मूल ढांचे की घोषणा से पहले के। तो केशवानंद भारती जो मामला था उसी को इसने आधार बनाया। अब मूल ढांचे की संकल्पना को और ज्यादा सुदृढ़ करते हुए यह कथन दिया कि अगर केशवानंद भारती जो अप्रैल 1973 में अपना निर्णय देता है उसके पहले जितने भी विषय आपके अनुसूची 9 में शामिल होंगे, आर्टिकल 31 ए और 31 बी का इस्तेमाल करते हुए शामिल किए गए हैं, उन पे क्या नहीं की जाएगी? न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। ऐसा बात कहा गया किसमें? आपका बामन राव केस में। अब बामन राव केस में ऐसे बात कहेगी, हालांकि आगे चल के फिर और एक बात आता है, मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा बात था कि आगे ये कह दिया जाता है कि किसी भी विषय पर संशोधन हो सकता है। हालांकि आपने सुना होगा कि कई सारे राज्य सरकारें ये मांग करती रहती हैं कि हमारे जो आरक्षण का अधिकार है या कुछ विशेष भूमि संपत्ति संबंधी अधिकार है उसको अनुसूची 9 में शामिल कर लिया जाए जो न्यायिक समीक्षा से परे हैं। वर्तमान में लगभग 284 विषय अनुसूची 9 में शामिल है। जो 31 सी जो अनुच्छेद है 31 सी, इस 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, बस इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है तो किसी प्रकार का मौलिक अधिकार के दायरे में ये नहीं आता है। यही बस इसका निर्णय था कि अनुसूची 9 में जो विषय शामिल हुए हैं उनको न्याय समीक्षा नहीं की जाएगी जो भी विषय केशवानंद भारती के पहले के हैं। चलिए अब अपने प्रश्नों पे आते हैं, जहाँ पर हमारी चर्चा समाप्त हुई थी वहीं पर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। हमारे ऑप्शन है 10 दिनों तक, ऑप्शन बी 14 दिनों तक, ऑप्शन सी 15 दिनों तक या ऑप्शन डी 16 दिनों तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, ऑप्शन डी राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो कि गलत है क्योंकि जो धन विधेयक है कहाँ पर शुरू होगा? आपके लोकसभा में शुरू हो सकता है। बाकी सारी बातें सही लिखी हुई हैं कि राज्यसभा का एक कर्तव्य होता है कि वो 14 दिन तक अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करे, यदि वो सिफारिशें नहीं प्रस्तुत करता है तो लोकसभा द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है और राज्यसभा में आपने देखा होगा कि धन विधेयक को लेकर इनकी शक्ति क्या होती है? कम होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है?
हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या ई। एक और ऑप्शन जोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन भी नहीं है सही। लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वो तो मैं बता ही दिया कि इसका सही जवाब क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में पहली बार। लोकसभा जब ये पारित हो जाएगा तो कहाँ पर जाएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास, और लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या करेगी, रेखांकित कर देगी या तारांकित कर देगी कि यह जो इस क्रम का विधेयक आया है, जो यह विधेयक आया है वो धन विधेयक है, इसलिए राज्यसभा के इसके अधिकार क्या हो जाएंगे, अब सीमित हो जाएंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि वो कौन होगा, आपका धन विधेयक होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या डी या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, वित्त विधेयक कई प्रकार के होते हैं, ये अब वित्त विधेयक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर धन विधेयक हो सकता है। तो जो वित्त विधेयक होते हैं उनमें से कुछ धन विधेयक होते हैं, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ वित्त विधेयक होते हैं जो आपके सामान्य विधेयक के समान होते हैं और ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, या डी राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा धन विधेयक ऑप्शन ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये आपको पता ही है कि ये गलत होगा, क्योंकि लोकसभा में ही बस धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, बाकी सारी बातें सही है। अगर धन विधेयक के बारे में आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इन तीनों पॉइंट को आप रट लीजिए या फिर समझ लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। हमारे ऑप्शन है, टैक्स लगाना, समाप्त करने या उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, बी धन की उधारी का विनियमन करना, सी भारत के संचित निधि के धन को विनियोग करना, या डी भारत के संचित निधि से खर्च का विवरण देना, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है का से लेके छ तक के विषय, का से लेके छ तक लिखा हुआ है, का से लेके छ तक पूरा विवरण मिलता है कौन कौन से तत्व शामिल होंगे, और छः में लिखा है कि का से लेके चा तक के जितने भी विषय हैं उससे संबंधित अन्य विषय भी शामिल होंगे, उससे संबंधित अन्य विषय भी शामिल होंगे। ये काफ़ी डीप हो जाएगा, ये तो संविधान का विश्लेषण हो गया, पर इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि जब धन विधेयक की बात होती है, मतलब सीधे आ जाती है बात संचित निधि और पैसे से, तो जो भी बात होगी जो पैसे से संबंधित होगी, चाहे टैक्स लगाना हो, कर का निर्धारण करना हो, कर में परिवर्तन करना हो, या संचित निधि से में धन डालना हो या उससे निकालना हो, वो सारी बातें कहाँ से संबंधित हो जाएंगी, धन विधेयक के संबंध में हो जाएंगी। तो सारी बातें जो ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है, सारी बातें कहीं ना कहीं किससे संबंध रख रही हैं, धन विधेयक के संबंध में रख रही हैं। ये बिहार PECS में आया हुआ प्रश्न था और उसमें एक ऑप्शन रहता है 5वें नंबर का ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसके आगे जो लिखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो वो सही होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है ये सही होगा, तो हमारा जो उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन ई होने वाला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब देखिए, पिछला जैसे कि मैंने प्रश्न बताया था तो उसी आधार पे आप इसका उत्तर दीजिए, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए। तो हमारा प्रश्न है,
जो हमारे ऑप्शन है वो है कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, से संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, या डी जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा कमेंट में, मैं आगे बढ़ता हूँ पर आप लोग इसके जवाब अवश्य दे दीजिएगा। 55 ऐसे कमेंट में आप लिखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन और 55 के आगे जो आंसर होगा कि डी होगा कि ई होगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, आपको उसके आगे लिख के बता देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर आ गई बात बजट की। देखिए संसदीय कार्यवाही अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। संसदीय कार्यवाही देखिए पूरी हमारी जो व्यवस्था चल रही है वर्तमान में आप देखेंगे कि संसद के द्वारा ही चल रही है, तो संसद अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो संसदीय कानून हो, संसदीय समितियाँ हों, या संसदीय कार्यवाहियाँ हों, या फिर लोकसभा हो, या राज्यसभा हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा उपाध्यक्ष हो, तो कई सारे प्रश्न इसके संबंध में पूछ लिए जाते हैं और परीक्षा में इसको अगर पढ़ के हम नहीं जाते हैं तो काफ़ी पीछे भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन विषय मैं बोलूँगा, एक होता है आपका राष्ट्रपति, एक होता है आपका संसद और एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, पूरा इसी पर टिका हुआ है। और मेंस की अगर बात करें, किसी भी परीक्षा की अगर मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी मेंस हो चाहे पीएससी का मेंस हो, उसमें मौलिक अधिकार अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। उसमें से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं करंट को मुद्दे बना करके या फिर अन्य मुद्दे बना करके। आइए प्रश्नों पे आते हैं, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। देखिए जो आर्थिक कार्य विभाग होता है वो वित्त मंत्रालय है, उसके अधीन रखे कार्य करता है और यही अपना पूरा बजट के लिए अनुमान और अनुमोदन के लिए कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267 या डी अनुच्छेद 268। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 267, जो आकस्मिकता निधि की बात करता है, जिसका नियंत्रण किसके हाथ पे होता है, राष्ट्रपति के हाथ में। नियंत्रण किसके हाथ में होगा, राष्ट्रपति के हाथ में। और एक चीज़ और फैक्ट इसके संबंध में याद कर लीजिए, शायद कहीं पर आपको सुनने में ना मिले कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मौलिक अधिकार जो मूल कर्तव्य थे उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, आर्टिकल 21 ए जोड़ता है, उसी में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो आकस्मिकता निधि थी उसकी जो राशि थी 500 करोड़ निर्धारित की गई थी, 500 करोड़ की फंड निर्धारित किया गया था आकस्मिकता निधि में। इसमें पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, अगर कोई आपदा की स्थिति आ जाती है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि धन निकालना बहुत जरूरी है, धन बहुत आवश्यक है, तो राष्ट्रपति इसके संबंध में क्या करता है, धन निकालता है। अगला है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या डी नहीं व्यय कर सकता है। तो देखिए दो स्थिति है, जो राष्ट्रीय संकट है उस समय ही इस स्थिति को व्यय किया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की संसदीय स्वीकृति नहीं चाहिए। तो जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है दोनों सही होंगे, तो उत्तर हो जाएगा ए और सी। राष्ट्रीय संकट के समय जैसे आपदा की स्थिति आ जाए, आपात की स्थिति आ जाए, वित्तीय आपात की स्थिति आ जाए, कमी पड़ जाए, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, आपका व्यय के लिए धन निकाला जा सकता है। उसी प्रकार संसदीय स्वीकृति की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, मंत्रिपरिषद जो है अगर सिफारिश कर दे कि आकस्मिकता निधि से धन निकालना है तो राष्ट्रपति फिर वहां से धन निकाल देगा। अगला है, संघ की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, आपको इसका उत्तर देना है। हमारे ऑप्शन है, पहले तो विकल्प देख लीजिए, कथन देख लीजिए, फिर उसके आधार पर हम विकल्प पर चर्चा करेंगे। पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो अभी हमने इसके पहले चर्चा की थी कि कौन सा विभाग तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वो देखता है। तो ये पहला कथन हो जाएगा गलत। भारत के संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है कि भारत के संसद के बिना अनुमोदन के बिना संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। ये बात मिलती है आपके कहाँ पर, अनुच्छेद 114 में, जो विनियोग विधेयक की बात करता है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों या डिसबर्समेंट
के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सभी प्रकार के संवितरणों या फिर सभी प्रकार के आय व्यय के लिए संसद की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आकस्मिकता नीति से अगर धन निकालना है या फिर लोक लेखा नीति से धन निकालना है या लेखानुदान करना है, तो उस संबंध में क्या हो जाएगी, संसद की जो शक्ति होगी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ये जो ऑप्शन 3 है ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा केवल 2 सही है। तो हमारा सी जो उत्तर होगा, सी नंबर में केवल 2 सही है, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, या डी लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। देखिए, वेतन एवं भत्तों का जिक्र मिलता है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में ऐसे वेतन और भत्तों का जिक्र मिलता है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं, भारत की संचित निधि से। अन्य पदाधिकारियों के सदस्यों के मंत्रिमंडलीय सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते कहाँ पर निर्धारित होते हैं, आपके अनुसूची 2 के तहत प्रदान किए जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तहत भी संवैधानिक रूप से 125 आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, 125 इनके वेतन भत्तों का जिक्र करता है। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का जो जिक्र होता है वो आपके अनुसूची 2 करता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते भी आपको आपके इसी पे आधारित होते हैं, किस पे, भारतीय संचित निधि पे। लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्तों के संबंध में कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि उपराष्ट्रपति जो वेतन भत्ते प्राप्त करता है वो आपका राज्यसभा के सभापति के होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है, सभापति के रूप में प्राप्त करता है। उसको ऐसे कोई भी वेतन भत्ते प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, जाते हैं जो एक उपराष्ट्रपति को प्रदान करते हैं, जो स्पेशली उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। अगला है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ए भारत की आकस्मिकता निधि में, बी लोक लेखा में, भारत के संचित निधि में, या डी निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की संचित निधि में। कोई भी धन अगर वो किसी संधि समझौते उधार या फिर व्यय या फिर आपका रेंट के माध्यम से प्राप्त होती है सरकार को, वो कहाँ पर जाएगी, भारत की संचित निधि पे। सरकार को होने वाली सारी आय कहाँ पर जाएगी, आपकी संचित निधि पे आ जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। हमारे ऑप्शन है, पहले तो विकल्प देख लीजिए, उसके कथन देख लीजिए, उसके आधार पर हम विकल्पों का चर्चा करेंगे। पहला है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत हो जाता है। 2 राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। हाँ, इसी आधार पर आपके कोटों का सही उत्तर दीजिए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, डी ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। अब देखिए, लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है और वहाँ पर हो जाता है सत्रावसान, मतलब अगर बजट सत्र चल रहा है तो उसका सत्रावसान हो गया। अब अगला सत्र होने वाला है क्या, मानसून सत्र, तो क्या सत्रावसान में कोई विधेयक समाप्त होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर विघटन लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है, विघटन में अगर कोई लोकसभा में लंबित विधेयक है तो समाप्त हो जाता है, तो ये गलत हो गया, यहाँ सत्रावसान की बात हो रही है। फिर दूसरा है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है और लोकसभा में भी प्रस्तुत भी नहीं किया गया है, वहाँ पर लंबित भी नहीं है, प्रस्तुत भी नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा का विघटन हो जाए तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। तो हमारा उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, क्योंकि जब GST लागू हो रहा था और GST में बीच बीच में संशोधन देखे होंगे आपने, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के संबंध में बात हो गई होगी जहां पर करों के निर्धारण की बात होती है। और हर साल आपने देखा होगा कि जब बजट तैयार किया जाता है उसमें ऐसा किया जाता है कि आय करों की स्लैब चेंज कर दी जाती है, कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया जाता है। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं के संबंध में कहाँ पर लिखा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही इसको लागू किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 265, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 266 या अनुच्छेद 368। तो देखिए, इसको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, जैसे अनुच्छेद 368 को हटा दीजिए क्योंकि ये बात करता है संविधान संशोधन की। फिर अनुच्छेद 266 को हटा दीजिए
क्योंकि ये बात करता है जिसकी आपकी संचित निधि की। अनुच्छेद 300 एक्चुअल में कुछ ऐसे विधियों को शामिल करता है जो अतिरिक्त रूप से इम्पोर्टेंट होता है। 300 को भी हटा दीजिए तो उत्तर क्या हो जाएगा। अब देखिए कर से संबंधित प्रावधान है तो हमेशा देखिएगा जो भारतीय संविधान का भाग 12 है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और 12 के अंतर्गत ही पहला जो अनुच्छेद देखने को मिलता है जो ये बताता है अनुच्छेद 265 कि जितने भी कर लगाए जाएंगे भारत की सीमा के अंदर, भारतीय आर्थिक सीमा के अंदर, वो कहाँ पर होंगे? अनुच्छेद 265 के तहत संवैधानिक रूप से लगाए जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? हमारे ऑप्शन है सामान्य विधेयक पर, ऑप्शन बी धन विधेयक पर, ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, या ऑप्शन डी विनियोग विधेयक पर। देखिए चाहे धन विधेयक हो, चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो, या विनियोग विधेयक हो, इसके संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं लिखा गया है भारतीय संविधान या संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। लेकिन अगर कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, और दूसरे सदन में जाता है लेकिन उसको वहाँ पर पारित नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करता है और संयुक्त बैठक बैठवा सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी और सारे मामलों का निपटान किया जाएगा। तो दो ही विधेयक होते हैं जिन पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, एक सामान्य विधेयक होता है और दूसरा होता है आपका वित्तीय विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, और एक होता है सामान्य विधेयक जो सामान्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे शिक्षा के अधिकार वाला विधेयक प्रस्तुत किया गया, अगर उसमें गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती तो ऐसे संबंध में क्या होता कि दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती थी। इसी प्रकार दहेज संशोधन अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में, उसके लिए संयुक्त बैठक अपनाई गई थी, बैठाई गई थी। बैंकिंग सेवा अधिनियम आया था उसके संबंध में, निरसन अधिनियम आया था उसके संबंध में संयुक्त बैठक बैठाई गई थी, और अत्याचार आतंकवाद निवारण अधिनियम आया था 2002 का जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तो उसके संबंध में भी संयुक्त बैठक बैठाई गई थी। और तीन बार भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के इतिहास में तीन बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त बैठक अपनाई गई है किसी साधारण विधेयक को लेके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य विधेयक। अगला है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए कानूनी विधेयक मतलब सिंपल समझिए कोई विधि से संबंधित विधेयक है, मतलब साधारण विधेयक है। यहाँ पर वित्त का कोई लेन देन नहीं है, धन का कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे जो विधेयक होते हैं दोनों सदनों में से कहीं भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी? हमारे ऑप्शन है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन बी हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, या ऑप्शन डी स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया इसके पिछले प्रश्नों में, कि संयुक्त बैठक तीन बार भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के इतिहास में हुई है। तो पहली बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में हुई थी, जिसके तहत दहेज उन्मूलन जो विधेयक है उसको पारित किया गया था, उसको कानून बनाया गया था। अगला है, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या है? पहला है, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये तीन संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपूर्त होनी चाहिए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप लोगों को कठिनाई हो रही होगी समझने में। देखिए पहला जो सवाल है, पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक के संबंध में, बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पर संविधान संशोधन लिख के आ गया, मतलब क्या हो गया? गलत हो गया। तो जो पहला कथन हो गया वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन के विषय में किसी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला अगर बात करें, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, तो ये बात भी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। क्योंकि अगर बात करें कि अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता तो अध्यक्षता की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है
फर्स्ट में वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी लोकसभा के उप उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। और तीसरे नंबर पे अगर मान लीजिए कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति को, उपसभापति को यह अधिकार दिया जाएगा। और चौथी स्थिति यह है कि मान लीजिए कोई भी उपस्थित नहीं है तो सदन में उपस्थित, सदन में उपस्थित सदस्यों में से किसी को चुना जाएगा। तो जो ये दूसरा कथन है ये भी गलत हो जाता है क्योंकि उपसभापति इसकी बैठक कर सकता है। अगर यहाँ पर सभापति लिखा होता तो बिल्कुल बात सही हो जाती। देखिए संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कोरम के पूर्ति के लिए 1/10 होना जरूरी है, 1/10, तो ये भी गलत हो जाता है। तब अगर उत्तर देखें तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि सभी कथन क्या है, गलत है। तो डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्कृतित है, संस्वीकृत है। दो है लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। या तीन भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, पहली बैठक दहेज निषेध अधिनियम के लिए हुई और दूसरी बैठक बैंकों के बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल के लिए 1977-78 में हुई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये जो कथन होने वाला है डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति अपने आशय से यह सिद्ध करेगा कि अगर कोई विवाद की स्थिति है, देखिएगा राष्ट्रपति अपने आशय से, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं MPPSC प्री परीक्षा में पूछा गया था और भी किसी स्टेट PCS के परीक्षा में पूछा गया था। तो आप जब पढ़ते हैं तो शब्दों को बड़ा गौर से ध्यान दिया करिए क्योंकि संविधान की जो शब्दावली है हर शब्द का एक विशेष महत्व रखती है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए आपसे ऐसा पूछ लिया गया कि अध्यक्षता अभी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ज़्यादा बातों को बढ़ाते नहीं है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रिफर किया जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, बी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत से, या सी सदनों का 2/3 बहुमत से, या डी सदनों का पूर्ण बहुमत से। देखिए सिंपल समझिए कि साधारण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है और 2/3 बहुमत क्या होता है। तो जो साधारण बहुमत होता है वो ऐसा होता है कि जो उपस्थित हैं, जितने सदस्य उपस्थित होंगे, मान लीजिए टोटल, अभी मैं बात करूं अगर संयुक्त सदन की बात करूं, संयुक्त बैठक की बात करूं, तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपके 545 सदस्य हो गए आपके लोकसभा में और 245 सदस्य हो गए राज्यसभा में, जोड़ दिया जाए दोनों को तो 790 सदस्य हो रहे हैं टोटल। तो अब इसी के आधार पे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 790 में से 700 लोग उस समय उपस्थित हुए, 700 लोग उपस्थित हुए तो उपस्थिति देने वाले का साधारण बहुमत क्या होता है कि इनका 50%, मतलब अगर 350 लोग प्लस वन, साधारण बहुमत क्या होता है 350 लोग प्लस वन, मतलब 700 का 50% प्लस वन वोट मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत हो जाएगा। ठीक, उपस्थित और मतदान देने वालों का साधारण बहुमत यही होता है। ठीक, अब मान लीजिए 790 टोटल सदस्य हैं, इसका अगर मैं विशेष बहुमत की बात करूं, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, 2/3 सदस्यों का अनुमोदन। अब ये अनुमोदन 2/3 ऐसा होना चाहिए कि इसके 50% से ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा हो, 2/3 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए और 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं टोटल 700 लोग, ठीक है, 700 लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो 790 में भले 700 लोग उपस्थित हो रहे हैं लेकिन इनका 2/3 आपके 790 के 2/3 के बराबर होना चाहिए, मतलब इसमें जो सदस्य हो रहे हैं, और 50% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो 300 आपके 95 सीट हो रही हैं, 300 95 वोट आएंगे लगभग,
तो 395 वोट आपको पढ़ना चाहिए किसमें, पक्ष में, तो वो बार 396 वोट, तो वो उसको पारित समझ लिया जाएगा। दो तिहाई बहुमत भी होता है कि जो पूरा टोटल है उसका दो तिहाई बहुमत, 67% बहुमत आपको दिया जाए। फिर सदनों का पूर्ण बहुमत होता है कि 50% से अधिक उसको बहुमत मिले, इसका 50%, 790 का 50% से अधिक बहुमत मिले तो उसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। सदस्य कितने भी उपस्थित हो सकते हैं, कम भी उपस्थित हो सकते हैं और जितनी संख्या निर्धारित है उतने भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है कि इसका 50% से अधिक मिलना चाहिए। तो ऐसे कुछ बात हो गई, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी समझ के लिए चीज़ बताई गई है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा इसका कि साधारण बहुमत से होगा उपस्थित तथा मत देने वालों के। और मान लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन में ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं होते हैं, 100 लोग उपस्थित हो गए, तो 100 लोग आपके देखिएगा कि 790 का क्या है कि 10% है, तब भी वो विधेयक पारित करवा लिया जाएगा उसमें उपस्थित और मतदान देने वाले के बहुमत से। तो 100 में से अगर 51 वोट भी मिल जाते हैं तो वो पारित हो जाएगा। ये बात हो गई आपके संयुक्त बैठक के संबंध में कुछ विशेष स्थितियों की। अगला है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है संयुक्त सत्र यथा समय आहूत हो गया, ऑप्शन बी संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, ऑप्शन सी संयुक्त सत्र नई लोकसभा गठन के बाद हो गया, डी विधेयक व्यपगत हो जाएगा। तो देखिए, यदि मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाना है और राष्ट्रपति कोई अधिसूचना जारी नहीं की है तो फिर और लोकसभा भंग हो जाती है तो कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी है और उसके बीच में लोकसभा भंग हो जाती है तब भी संयुक्त बैठक के आयोजन होगा जैसी तिथि निर्धारित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त सत्र यथा समय पर आहूत होगा। अगला है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है सत्र का प्रथम घंटा, बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो देखिए, जो प्रश्नकाल होता है वो आपके संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है। प्रथम घंटा जो 10 से कार्यवाही शुरू होती है, 10 से 11 बजे का समय जो होता है वो होते हैं आपके संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल का समय। लेकिन राज्यसभा में ये ज़्यादा भी होता है, राज्यसभा में 1 घंटे का होता है, लोकसभा में ये 2 घंटे का होता है। और शून्यकाल की अगर बात करें तो शून्यकाल का जो समय होता है वो प्रश्नकाल के ठीक बाद का होता है और 1 घंटे का समय होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे का समय होता है, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग टाइम होती है। राज्यसभा में ये होता है 11 से 12 और लोकसभा में होता है 12 से 1 बजे के बीच का समय। तो प्रश्न यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल क्या होता है, आपका शून्यकाल होता है। अगला है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। हमारे ऑप्शन है भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की, क्योंकि ये जो हमारी व्यवस्था है शून्यकाल की व्यवस्था, ये भारत में उत्पन्न हुई है, ये कहीं से हमने स्वीकार नहीं की है। जैसे आपने महाभियोग जैसे संकल्प की बात सुनी होगी तो ये आई थी आपकी अमेरिका से। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली कुछ प्रणालियों के अपनाया गया था, जैसे समितियां हो गई, लोकलेखा समिति हो गई, वो प्रणाली हमने अपनाई थी कहां से, ब्रिटेन से। लेकिन शून्यकाल हमारे यहां की स्वयं की देन है, हमारे यहां की मूल संकल्पना है। तो उत्तर हो जाएगा क्या, भारत की। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। हमारे ऑप्शन है 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन बी डी 2 घंटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने चर्चा की, 1 घंटा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल, या डी क्षेत्रीय परिषदें। तो देखिए, हमारे संसद को ही ये शक्ति मिली है कि संविधान के किसी भी विषय में क्या कर ले, कानून बना ले। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि जब संसद कोई कानून बनाती है उसके संबंध में अगर कानून नहीं बना रही होती है, मान लीजिए कोई संसद कानून नहीं बना रही है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो इस चीज़ के लिए निर्देश दे दे, वो स्वयं कानून नहीं बनाएगा। भले वो न्यायिक सक्रियता जैसी प्रणालियों को अपनाता है, न्यायिक अति सक्रियता जैसी प्रणालियों को अपनाता है, लेकिन वो स्वयं कानून नहीं बना सकता है, उसके लिए सरकार को निर्देश अवश्य दे सकता है कि इसके संबंध में कानून। चलिए, थोड़ा सा लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया था, पर चिंता मत कीजिएगा, आपके पास वीडियो
स्पेशल रूप से पहुंचेगी, पूरी की पूरी पहुंचेगी, हम लोगों के लिए ज़रूर अपरोधक उत्पन्न हुआ था। पर चलिए अपनी चर्चा को उसके आगे बढ़ाते हैं और जहां पर से छोड़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। अगला है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मर्यादा, ऑप्शन बी पक्ष त्याग, ऑप्शन सी अंतर प्रदान या ऑप्शन डी बैठ जाना। तो देखिए, ये प्रश्न MPPSC परीक्षा प्री परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, जब संसदीय कार्यवाही होता है तो आपने सुना होगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का सभापति होते हैं वो बीच बीच में कहता है कि बैठ जाइए, आप अपनी मर्यादा में रहिए, ऐसे बोलते हैं, पक्ष किसी का पक्ष मत लीजिए, पक्ष त्याग कीजिए, है ना, समर्थन दीजिए, ऐसी बातें करता है वो। अब ये बोलेंगे, इनका क्रम है, पहले से निर्धारित कर देता है। तो ऐसी बातें आपने संसदीय कार्यवाही में लोकसभा या राज्यसभा में सुना होगा। तो जब कोई सदस्य को बैठने के लिए बोला जाता है तो या बोलने से रोक दिया जाता है तो उसको बोला जाता है बैठ जाना, या बैठ जाइए, आप किसी और का नंबर आने वाला है। हालांकि पहले ही निर्धारित होता है कि कौन सा सदस्य कब बोलेगा, यह क्रम पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है संसदीय कार्यवाही में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 253। तो देखिए, भारतीय संविधान में ऐसी बहुत ही व्यवस्था बेहतर रूप से की गई है कि अगर संसद, हमको पता है कि थोड़ा हमारा केंद्र की तरफ शक्तियों का झुकाव ज़्यादा है, और मान लीजिए कि भी ऐसा होता है कि लोक महत्व के विषय के लिए कानून बनाना है तो राज्यसभा अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है और उसके संबंध में फिर संसद कानून बना सकता है, और आपने कृषि कानून के संबंध में सुना होगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में राज्यों की शक्ति सीमित हो जाती है, नाम मात्र की हो जाती है, और ये प्रयोग करता है केंद्र आपके अनुच्छेद 253 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, या फोर्थ राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होने वाला है कि जो राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक हो गया है राज्य सूची के विषय में, तब कानून भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो राज्य सूची के विषय में अगर राज्यसभा यह निर्धारित कर दे कि हमको क्या करना है, कानून बनाना है, तो ऐसे संबंध में राज्यसभा संकल्प पारित करके फिर कानून बनवा सकती है संसद के माध्यम से। दूसरा, जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है वहाँ पर भी कानून बन सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ऑप्शन 2 और 4 है उसी स्थिति पर कानून और विधायन राज्यसभा के लिए, राज्य सूची के लिए बना सकती है। भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश न दे, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित कर दे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि ये प्रावधान जरूरी है कि जो किसी राज्य की सरकारें हैं या दो से अधिक राज्य हैं, वह अगर अनुमोदन कर देते हैं कि केंद्र इसके संबंध में कानून बनाए तो कानून उसके संबंध में बनाए जा सकते हैं आर्टिकल 250 और आर्टिकल 252 का प्रयोग करते हुए। आर्टिकल 250 आपातकाल की स्थिति में, आर्टिकल 252 राज्यों के आपसी सहमति के उपरांत केंद्र सरकार या भारत की संसद कानून बना सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा 2 और 4, तो यहाँ जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना किसी राज्यों की सहमति से। अब ये प्रक्रिया इसकी बहुत आसान होती है कि पहले राष्ट्रपति इसके संबंध में, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है और राष्ट्रपति राज्य सरकारों को ये समय देता है 1 महीने के अंदर अपना अनुमोदन प्रस्तुत करे। अगर वो 1 महीने के बाद कोई राज्य सरकार अपने अनुमोदन प्रस्तुत भी कर देती है तो ये जरूरी नहीं है कि राज्य जो राष्ट्रपति है उसके जो सुझावों को है उसको स्वीकार करे या संसद उसके सुझावों को स्वीकार करे। हालांकि फिर इसके बाद संसद में इसकी कार्यवाही होगी और अगर वो विधेयक प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है तो कानून संपूर्ण देश के लिए और संपूर्ण राज्यों के लिए जहां पर उसको आवश्यक है लागू मान लिया जाएगा। तो
तो भारतीय संसद के पास विशेष शक्तियाँ प्राप्त है जो हमारे संघीय शासन प्रणाली में हमारे केंद्र की ओर थोड़ा झुकाव को प्रदर्शित करती है। अगला है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, या सी किसी भी परिस्थिति में, या डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देता है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन बी, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्य को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। ऑप्शन सी, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संविधान वर्जना नहीं है। या डी, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। यहाँ पर सही की बात हो रही है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य शामिल हो सकते हैं, ना कि लोकसभा में। देखिए, पहले लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते थे एंग्लो इंडियंस, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके समाप्त कर दिया गया। तो पहला सदस्य क्या हो, पहले जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संविधान वर्जनीय है, ऐसा कोई भी संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। हालांकि हमारे यहाँ ये प्रावधान जो जरूर मिलता है, किसी व्यक्ति को अगर मंत्री पद सौंपा गया है तो 6 महीने के बाद उस सदन की सदस्यता को ग्रहण कर ले। तो ऐसा कोई वर्जना स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, ना तो संसदीय कार्यवाहियों के अंतर्गत, ना ही आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ए और सी इसका सही उत्तर होने वाला है, ए और सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, भारत का संघ, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या एक दो तीन। तो देखिए, भारत की आर्थिक सीमा होती है, और एक भौगोलिक सीमा होती है, और एक राजनयिक सीमा होती है। तो जो भारत की आर्थिक सीमा है वो केवल भारत तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ऐसे देशों में भी उसका विस्तार पाया जाता है, जैसे आपके जहाँ पर राजदूत स्थापित है भारत के, और साथ ही सैन्य बेस स्थापित है, वहाँ भी उनके सीमाएँ निर्धारित होती हैं, और भारत के नागरिक जहाँ जहाँ रह रहे होते हैं उनके कानून वहाँ पर लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारत के संघ में संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो लागू होता है। फिर दूसरी बात, भारत के प्रदेशों के लिए भी कानून बना सकती है संसद, जो उसके लिए लागू होगा। फिर विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बना सकती है, ये भी लागू होगा, क्योंकि अगर कोई भारत का नागरिक है तो नागरिक के लिए कानून संसद बना सकती है, चाहे वो नागरिकता प्रदान करने के लिए हो, नागरिकता छोड़ने के लिए हो, या फिर अन्य किसी प्रावधान के लिए हो जो उनके लिए विशेष सुविधाओं का आयोजन करती हो। तो तीनों बातें क्या हो रही हैं, सही हो रही हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन, तीनों सही हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 127, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी अनुच्छेद 126, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122। देखिए, अनुच्छेद 122 में यह मिलता है कि न्यायपालिका संसद की किसी भी कार्यवाहियों का जिक्र अपने न्यायपालिका क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त 121 में क्या मिलता है, 121 में ये मिलता है कि संसद न्यायपालिका के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका के विषय में बहस नहीं करेगी। ये मिलता है 121 में, 122 में मिलता है कि न्यायपालिका भी संसद के कार्यवाहियों के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसी प्रकार 211 और 212 में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और राज्य के विधानमंडल के संबंध में जिक्र मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, संसद के निम्न सदनों में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदनों के निर्वाचित सदस्यों को, सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को मैं संशोधित करने वाला हूँ, यहाँ पर अधिकार नहीं है लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे में तो प्रश्न आप समझ नहीं पाएंगे, गड़बड़ कर देंगे। चलिए, प्रश्न ऐसे ही रखने देते हैं। अच्छा प्रश्न है, संसद के निम्न सदनों में निर्वाचित सदस्य को,
संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य को राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य को या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को? तो देखिए, जो उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्य विधानमंडल के, उनको अधिकार नहीं प्राप्त है। हालांकि नहीं लिखना है यहां पर, नहीं प्राप्त। तो जो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य हैं उनको अधिकार नहीं प्राप्त होता है। राज्यसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव के लिए भागीदार हो सकते हैं, स्वयं मतदाता हो सकते हैं, या फिर कोई मतदाता उनके निर्वाचन क्षेत्र से आता है तो उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए उच्च सदन के मतलब विधान परिषद के संबंध में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी भाग किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। यदि भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्त का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। बाकी जितने भी कथन हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे कथन लिए हैं तो विभिन्न आगे वाली परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में भी काम आ सकते हैं। मुझे ये ऑप्शन डी वाला जो कथन है बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है विभिन्न परीक्षाओं में, हालांकि पूछा भी है लेकिन हमारी जो मध्य प्रदेश पीएससी है इसने ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हैं। तो अगर डीप जाना चाहेगी तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकती है, तो आप उत्तर के लिए तैयार रहिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, या परिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिचितों को संसद से बाहर रखने का विशेषाधिकार। देखिए, संसद जो अपनी कार्यवाही करती है तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं और जैसे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनके संबंध में एक विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है उनके सदस्यों को कि कौन सा व्यक्ति वहां पर रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। तो ये सब बातें तय की जाती है, कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता में छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा है ऐसे कथन सही हैं या हैं? हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, या 1, 2, 3। तो देखिए, संसद में सदस्यता के लिए एक निरहरता कानून बनाया गया था 1959 में, जो राष्ट्रपति के निर्देशा के अनुसार बनाया गया था, जिस पर लाभ के पद का क्या आधार होगा, कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत शामिल होंगे और कौन से पद लाभ के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे, इनका सबका जिक्र किया गया और समय समय पर इस पर संशोधन किया गया। वर्तमान तक इसमें 5 बार संशोधन हो चुके हैं। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, लेकिन लाभ के पद का यहाँ पर जिक्र मिलता है कि संविधान में वर्णित किया गया है, तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि लाभ का पद क्या होगा या क्या नहीं होगा। इसका वर्णन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत। जो ऑप्शन 3 है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होने वाला है 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए, विभिन्न पद होते हैं और जैसे अगर संसद के सदस्यों की बात हो या फिर विभिन्न अन्य पदाधिकारियों की बात हो तो उनके लाभ के पद का, उनके सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है, लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों करते हैं।
तो यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद दोनों सही होने वाले हैं उत्तर, तो ए एवं बी सही उत्तर होगा, ए एवं बी सही उत्तर। कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल से। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन काम करता है, सीएजी, और सीएजी के नियम एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। राज्यपाल के अधीन राज्य के महाधिवक्ता काम करता है, उसके सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। इसी प्रकार संघीय संसद विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के सेवा शर्तों का निर्धारण करती है और समय समय पर क्या करती है, उनके नियुक्ति के संबंध में संशोधन भी करती है। तो लाभ के पद के संशोधन के लिए 1959 में उसने कानून बनाया था, तो ये अधिकार किसको दिया गया है, संघीय संसद को। तो अलग अलग दायरे पे रह के अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। तो यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें तो ए और बी दोनों सही होंगे। अगला है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो हमारे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिनों में। 60 दिन तक अगर कोई सांसद उपस्थित नहीं रहता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला है, सर्वप्रथम एक सांसद विधेयक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ऑप्शन है राज्यसभा का, सी पंजाब विधानसभा का, डी बी लोकसभा का, या डी राजस्थान विधानसभा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है राज्यसभा का। राज्यसभा के एक सदस्य थे जो पंजाब से बिलोंग करते थे, 2001 की बात है, और 2001 में वो अपनी सदस्यता इस आधार पे खो बैठते हैं क्योंकि वो 60 दिन तक लगभग कहाँ पर, राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहते हैं और बिना सूचना के। तो एक बड़ा ही अच्छा सा नाम है, बी से नाम आता है, मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो बी से नाम शुरू होता है। आप लोगों को अगर याद होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, या मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है, जब लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है। लंबे समय तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो उस पर क्या कर दिया जाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सभी सदस्य जो होते हैं आपके संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो या राज्यसभा के अध्यक्ष की बात हो जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है, महासचिव हो लोकसभा का या फिर उपाध्यक्ष हो लोकसभा के, या राज्यसभा का उपसभापति हो या फिर राज्यसभा का लोक जो महासचिव हो, वो भी क्या होगा, शामिल होगा। तो इसमें क्या होगा उत्तर, हमारा डी, सभी चारों सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए, ए लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति, सी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, या डी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये इसका जिक्र कहां पर मिलता है, आर्टिकल 79 में। अगला है, एक वर्ष में कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत यह जिक्र किया गया है कि कम से कम साल में 2 बैठक अनिवार्यता की जानी चाहिए किसी भी संसदीय कार्यवाही में, तो 2 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वर्तमान में 3 बैठक होती हैं, वर्तमान में 3 सत्र होते हैं, सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र, फिर होता है मानसून सत्र, और फिर होता है शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र को ही बोला जाता है, ग्रीष्मकालीन सत्र भी बोला जाता है। सबसे बड़ा होता है बजट सत्र और सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा यह से कथन सही है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। तो भारतीय संविधान के 87 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 87 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करता है प्रत्येक साल के प्रथम सत्र के प्रथम बैठक के दौरान। इसके अतिरिक्त जब नवीन लोकसभा चुन के आती है उसके प्रथम बैठक के दौरान
विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करता है, तो ये दोनों कथन है वो सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होने वाला है। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, दोनों बातें सही है। राष्ट्रपति सदन के किसी भाग का भाग नहीं होगा, सदन के किसी भी, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, के सदस्य का भाग नहीं रखता है, लेकिन सदन संसद का जरूर भाग होता है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, एक और ओ दो, दोनों सही है। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी चर्चा आज समाप्त होती है भारत की संसद के संबंध में। हमने कई सारे पहलुओं पर इसकी चर्चा कंप्लीट कर ली है और मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। एक बार आप फिर से इस पर प्रैक्टिस करिए और इसके संबंध में हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस के तौर पर प्रदान कर दी जाएगी। टेलीग्राम में भी आपको इसके प्रश्न